हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा पीएचडी की एलिजिबिलिटी क्या है, पीएचडी करने के फायदे क्या है, पीएचडी की प्रोसेस क्या है, वो सारा विस्तार में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीएचडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो है 3 to 6 years। और एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री प्लस एंट्रेंस। और अगर आपका यूजीसी नेट है तो कैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, वो हम आगे कवर करेंगे। आगे है टॉप जो एग्जाम्स होते हैं वो सीएसआईआर का है, यूजीसी नेट है, जेएनयूईई का है। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किए हैं देन इन दैट केस सम यूनिवर्सिटी वेव ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट। सब्जेक्ट क्या 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 कवर करते हो या कैसे आपका जो थीसिस लास्ट में बनाते हो उसमें क्या परफॉर्मा रहेगा वो भी हम देखेंगे। इसकी जो फीस है 50,000 से 5 लाख है। सैलरीज आप 10 से लेकर 20 लाख तक पर एनम कमा सकते हैं। और जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जो पीएचडी के बाद आपको रिसर्च में, एजुकेशन में, लिटरेचर में, लॉ में, बैंकिंग में, सिविल सर्विसेज में, बिजनेस साइंस में आप एनालिस्ट बन सकते हो, कम्युनिकेशन में, पब्लिशिंग में और एचआर में, एडवर्टाइजिंग एंड मैनी मोर फील्ड्स आर ओपन फॉर पीएचडी। अब हम देखेंगे कि पीएचडी कैसे, कई लोग कह देते हैं कि पीएचडी जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, पीएचडी आप बहुत लंबे प्रोसेस तक लगे रहते हो और आपका जो आउटकम है उसका पता नहीं होता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं एलिजिबिलिटी जो है उसमें मास्टर डिग्री प्लस एंट्रेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है या अगर साइंस स्टूडेंट है, सीएसआईआर का टेस्ट क्लियर है, देन इन दैट केस एंट्रेंस आपके लिए एग्जेम्प्टेड होता है। 55 मार्क्स चाहिए आपको मास्टर और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और मोड क्या हो सकते हैं, आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जो है इसे कर सकते हैं, पीएचडी को कर सकते हैं। और जो एससी या जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 5 मार्क्स इसमें भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, भी उनके लिए 50% ही मास्टर डिग्री की एलिजिबिलिटी रह जाती है। और इसमें हम एलिजिबिलिटी में सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको वेरियस इंस्टीट्यूट, जैसे आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, आईआईटी से कर सकते हैं। एनआईटी और आईआईटी में ये है कि वहाँ पर जो आपको रिसर्च करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग मिल जाता है। उसके बाद आती है यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी वेरियस जितनी भी आपकी रिकग्नाइज यूजीसी से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को कर देती है। तो पीएचडी करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी तो देख ही रही है कि आपके पास 55% जो मास्टर डिग्री में जरूर होने चाहिए। इसके अलावा जो अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर है तब कुछ यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट जो है एनरोलमेंट के लिए अलाउ कर देती है। मोड्स में यही है कि आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। और आपको आगे क्या करना है अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, और कैसे, मैंने खुद अपनी पीएचडी की, मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री इन पंजाब। और जो मेरे गाइड थे बहुत रिस्पेक्टफुली और वेरी हम्बली, आई टेक हिज नेम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह नाटा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। मैं उनकी रियली पूरी लाइफ इंडेब्टेड रहूँगी कि उन्होंने मुझसे, मेरे वो गाइड रहे और उन्होंने मुझसे जो है पीएचडी डिग्री लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं आपकी कैसे मेरी स्टोरी शुरू हुई है वो भी बताऊंगी और साथ साथ में आपका जो स्टेप्स होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले यूजीसी नेट क्लियर किया था तब भी मेरे मन में यही रहता था कि यूजीसी नेट पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने मेहनत की, बुक्स पढ़ी, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से मैंने एक जुनून के रहते तैयारी की और यूजीसी नेट क्लियर किया। उसके बाद ये था कि अगर मैं पीएचडी कर देती हूँ तो जो मेरा इतना एक्सपीरियंस था 20 साल का, जो लेक्चरर का एक्सपीरियंस था, वो मेरा जो 15
मेरे काम आ सकता था फॉर बिकमिंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बनने का भी एक सपना था कहीं, और उसके लिए पीएचडी डिग्री जरूरी थी। तो मैंने, मुझे याद है इस पीएचडी डिग्री के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ। आप देखिए, जॉब में से इतनी छुट्टी लेनी पॉसिबल नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे मिले सुरेंद्र सिंह नाटा जी, और उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने अपनी पीएचडी कवर की। देखिए, पीएचडी करने से आपका प्रमोशन तो होती है, बिकॉज यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं और आप प्रिंसिपल बन जाते हैं, आपको प्रमोशन मिलती है। लेकिन इससे एक और फायदा होता है कि आपके जो कहते हैं ना, जो दिमाग के पेज हैं, जो दिमाग में जो लॉक्स होते हैं, वो भी खुल जाते हैं। दिमाग में आपको एक ब्रॉडर स्कोप मिल जाता है, आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क जो कि आप बिल्कुल अनलोन होते हैं बिफोर डूइंग पीएचडी, उसके बारे में पता चल जाता है कि रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे जो रिसर्च जो है वो सच में एक हार्ड हार्ड टाइम है, जिसमें आपने पूरी डिवोशन के साथ और आपने जो एक क्रिएटिविटी के साथ और एक आप कहते हैं कि एकेडमिकली जो है आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर सर की गाइडेंस में किए। रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं शुरू में मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे पता चल गया कि रिसर्च पेपर के लिए आप कैसे, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आपने समराइज करना होता है, ये सब कुछ मुझे पीएचडी करने के बाद पता चला। सर ने मुझे बताया कि कैसे आपकी राइटिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिनॉप्सिस होता है, तो सिनॉप्सिस से पहले के जो स्टेप होता है उसके लिए आपने अप्लाई करना होता है इनरोलमेंट। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप करेंगे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद उसके साथ आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टेंथ से लेकर अब तक जो मास्टर डिग्री तक हैं, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको इंक्लूज करेंगे, और ये एप्लीकेशन ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट विल बी सबमिटेड टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑन यूनिवर्सिटी वेयर एवर फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट टू डू पीएचडी। उसकी एलिजिबिलिटी जब प्रूव हो जाती है तो एलिजिबिलिटी के बाद आप करते हैं इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट फॉर्म सबमिशन होती है, उसमें आपने फिलअप करना है अपना फॉर्म फॉर गेटिंग इनरोलमेंट। अगर आप वर्किंग हैं तो आपने अपना एनओसी जरूर लगाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यू शुड टेक फ्रॉम द कॉलेज और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेयर एवर यू आर वर्किंग, और इसको सबमिट करना है विद द कैंडिडेट साइन एज वेल एज साइन ऑफ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर जो भी आपने आपको मिला है, गाइड मिला है, उसे आप जरूर उसके साइन करवाइए और आप सबमिट कर दीजिए यूनिवर्सिटी और वो कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से आप, रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं। ये तो अभी आपकी हुई एनरोलमेंट की बात। एनरोलमेंट होने के बाद जो अगली प्रोसीजर आती है वो प्रोसीजर है सिनॉप्सिस की। आपने सिनॉप्सिस सबमिट करना है, सिनॉप्सिस का भी एक प्रॉपर परफॉर्मा होता है, वो परफॉर्मा भी हम देखेंगे। और आपने ये कोशिश करनी है कि जितनी भी स्टडी आप ओरिजिनल करेंगे, शुड नॉट कॉपी कट पेस्ट फ्रॉम द गूगल, क्योंकि आजकल गूगल में बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं। अगर आप वही रिसर्च पेपर को अपने सिनॉप्सिस में डाल देते हैं तो बताइए कि आपका क्या फायदा हुआ कि रिसर्च करने का। रिसर्च तो हमने वहाँ करना है जहाँ पर नीड है, जहाँ पर पिछले रिसर्च पेपर्स ने आपके लिए फ्यूचर स्कोप छोड़ा है। तो आप बहुत सारे थीसिस रिसर्च पेपर पढ़िए, पहले तो आप थियोरेटिकल कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। टॉपिक को सेलेक्ट करते वक्त आप जरूर देखिए क्या वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट में है, क्या वो टॉपिक पढ़ने में आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वो टॉपिक, आपको लगता है कि इसमें काफ़ी सारा अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी, तो आप वो टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। अब टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद बारी आती है आपके सिनॉप्सिस की। तो सिनॉप्सिस के लिए आपने ओरिजिनल कोशिश करनी है, क्योंकि आपको ये बताती हूँ कि जब आप ये सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में तो प्लेगरिज्म का भी टेस्ट होता है। अगर आपका प्लेगरिज्म ज़्यादा है कुछ परसेंटेज, जैसे 10-15% में भी अलाउ, पर अगर इससे ज़्यादा है तो सिनॉप्सिस के रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इसको कैसे हम ओरिजिनल करें, मैं भी ये जब अपने पीएचडी कर रही थी और सर कहते थे आपने ओरिजिनल स्टडी करनी है, तो मैं समझ नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया जब मैंने बहुत सारे थीसिस अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पढ़े और उसके नोट्स बनाए और वहाँ पर देखा कि ये रिसर्च हुई है लेकिन इसमें आगे ये फ्यूचर स्कोप है स्टडी का, तो मैंने उस टॉपिक को सेलेक्ट करके उसके आगे बढ़ना शुरू किया। तो आपने जब भी सिनॉप्सिस भी स्टडी करनी है तो उसमें आपने जरूर देखना है कि
आपने इंट्रोडक्शन करना है टॉपिक का, उसके बाद क्या आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जो उतना भी आपने लिटरेचर पढ़ा है या पिछले थीसिस या रिसर्च पेपर पढ़े हैं उसका पूरा आपने रेफरेंस देना है, और उसके बाद रिसर्च गैप कहाँ पर है, क्यों जरूरत है इस टॉपिक में रिसर्च करने की, तो ये भी आपने ये बताना है कि व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और फिर आपने जो भी सर्वे किया है डाटा कैसे, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, कैसे आप कहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, कौन से टेस्ट लगाएंगे, देयर आर वेरियस टेस्ट। आपने सुना होगा एफपीएस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी आप जो है वेरियस जो रिग्रेशन टेस्ट है, इसके अलावा जो कोरिलेशन का टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपका डाटा आपने कलेक्ट किया है और कौन सा टेस्ट कहाँ पर सूट करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट लगाएंगे। तो डेट डिपेंड अपॉन योर डाटा विच यू हैव कलेक्टेड। प्राइमरी डाटा किसे कहेंगे, जब हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और पर्टिकुलर जो उनके साथ डील करते हैं पर्सन, उनसे हम क्वेश्चन करके अगर क्वेश्चन फिल कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल आप बाइंग हैबिट्स जानना चाहते हैं, तो आप बायर से मिल रहे हो और बायर से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन भरवा रहे हैं, बाइंग हैबिट्स ऑफ समर से पता करके आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन भरवा रहे हैं, तो दैट विल बी प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर आप यही डाटा कहीं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में जाकर, उस जर्नल से जाकर, कोई वेबसाइट से जाकर इकट्ठा कर रहे हैं या कंपनी में जाकर इकट्ठा कर रहे हैं, और उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। लेकिन अगर कंपनी में डायरेक्ट जाके वहाँ की सेल के बारे में या किसी कंपनी का आप रिसर्च कर रहे हैं और उस कंपनी के डायरेक्ट जाकर आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट विल अगेन बी प्राइमरी डाटा। तो किस प्रकार का डाटा होगा वो आपने देखना है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको सेटअप किया जाता है, कैसे आपने फिलअप करवाना है, उसकी भी पूरी सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने फॉलो करना है। तो देखिए ये हो गया आपका सिनॉप्सिस के बाद। तो आप सिनॉप्सिस के बाद आपने कम से कम कह सकते हैं 80,000 वर्ड्स होंगे आपके डिसर्टेशन के, या आप कह सकते हैं आपके थीसिस के, तो वो भी लिखने की जो टाइम है उसे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आप पहले रिसर्च पेपर करते हो, सिनॉप्सिस जो आपको सबमिट करते करते 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं, वो पास होता है, उसके बाद आप अपनी स्टडी करना शुरू करते हो, और ये आपको जो पीएचडी करना जो एक प्रोसेस है, ये आपको पूरी फ्रीडम दे रहा है, आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी इनोवेशन, आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर आप जेआरएफ है तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है ड्यूरिंग द फुल टाइम ऑफ पीएचडी, तो ये आपको फायदा होता है कि उसमें आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिलती है और आप अपना आराम से जो है पीएचडी कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा पीएचडी में आपको अभी मैंने बताया था, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, आर्ट्स में कर सकते हैं, बायोलॉजिकल, मेडिकल साइंसेज में, बिजनेस में, फाइनेंस में, केमिकल्स में, अर्थ साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, ह्यूमैनिटीज में, लॉ में, मैथ में, फिजिकल साइंसेज एंड सोशल साइंस एंड हेल्थ में भी आप ये कर सकते हैं। तो बस आपने क्या टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि व्हाट आर द टिप्स दैट यू मस्ट हैव व्हाइल डूइंग पीएचडी और रिसर्च वर्क। नंबर वन, आप कॉपी कट पेस्ट बिल्कुल मत करिए, अच्छे तरह से स्टडी कीजिए, थीसिस स्टडी कीजिए, जर्नल स्टडी कीजिए, बहुत सारे जर्नल हैं, रेफर्ड जर्नल हैं, जिन्हें आप स्टडी कीजिए ताकि उसमें जो रिसर्च पेपर वेरियस एकेडमिशियन ने लिखे हैं वो आपको पता चले, और जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसके प्रॉपर रिसोर्सेज को लोकेट करने की कोशिश करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और रिसर्च पेपर, न्यूज़पेपर और आप नेट से भी ले सकते हैं, लेकिन खुद की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डाटा होगा तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा प्लैगरिज्म का, ठीक है जी, क्योंकि आप प्राइमरी डाटा खुद ही लिखोगे, और खुद लिखिए, पहले लिखिए, किताबें पढ़िए, वेरियस आपके पास बुक्स हैं, रेफर्ड बुक्स हैं, बहुत ही जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स हैं, एमिनेंट पब्लिशर्स की बुक्स हैं, आप मेजर्स आ गया, यू मस्ट इंटरनेशनल पब्लिशर, नेशनल पब्लिशर, इनकी बुक्स जरूर पढ़िए, और उन बुक से भी आप उन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्टडी कीजिए। तो जब आप बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, थीसिस पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो अपने आप आपका माइंड खुलेगा और आपको जो नए आइडियाज हैं वो जरूर आएंगे आपके रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर कॉपी कट पेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, पहला तो टिप यही है। दूसरा टिप है, आप प्रॉपर अपने गाइड से मिलते रहिए, गाइड को साथ साथ में जो भी आपने काम किया है जरूर रिपोर्ट कीजिए। मुझे याद है मैं हफ्ते में एक बार जरूर सर से मिलती थी, और सर को अपना जो भी मैंने लिखा होता था बताती थी, और सर धीरे धीरे मुझे बताते थे, और मुझे याद है एक बार मैं 300 पेजेस भर कर लेकर गई थी और सर ने उसमें से सिर्फ 20 सेलेक्ट किए थे,
I was so shocked. But again, that is the part and parcel of doing this PhD. तो PhD इतनी आसानी से नहीं होती है. अगर आप सच में अपने में वो skill, research की skill लेकर आना चाहते हैं, तो आपको PhD मन से करनी है, ना कि आपने इसमें time pass करना है. क्योंकि अगर आप PhD करते हैं, तो आप में बहुत सारी skill आप imbibe कर जाते हैं. आपको आ जाता है research paper कैसे लिखना है, आपको आ जाता है research कैसे करी जाती है, आपको आ जाती है creativity, आपको आ जाती है innovation. आपका माइंड जो है वो रिसर्च माइंड हो जाता है, उसमें कितने सारे आइडियाज आने शुरू होते हैं. आप इवन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कोई ऐसा आइडिया. और आप देखिए कितने सारे मैंने देखा है यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी करके मोस्टली अब्रॉड में जाकर सेटल हो जाते हैं. तो ये तो आपको ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप पीएचडी करते हैं. तो पीएचडी इज नॉट ए वेस्टेज ऑफ टाइम, जो जैसा कि लोग कहते हैं कि तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप पीएचडी कर ही जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कब खत्म होने वाली है. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप प्रॉपर तरीके से सिस्टम वाइज अच्छी तरह से स्टडी करके प्रॉपर सीक्वेंस से प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ पीएचडी करते हैं, तो आपकी पीएचडी जरूर जो भी टाइम प्रिस्क्राइब है, जिसे आप 3 to 5 ईयर कह सकते हैं, आप 3 to 5 ईयर्स में आपकी ये पीएचडी जरूर कंप्लीट हो जाएगी. अगर आप एमफिल है तो किस कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को देने की जरूरत नहीं होती अगर आप एमफिल कैंडिडेट हैं, तो ये भी एक एडवांटेज आपको मिल जाता है. तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जरूर पीएचडी कीजिए और आपके जो भी सपने हैं आगे बढ़ने के वो जरूर पूरा कीजिए. पीएचडी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी. क्योंकि मैंने खुद की है, तो जो पर्सन काम कर लेता है वो मुझे लगता है कि दूसरों के डाउट्स उस काम के बारे में जरूर क्लियर कर सकता है. तो होप आपको मेरी वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी. जितने भी टीचर्स मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जरूर इस वीडियो को देखिए, आगे जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, जिन्होंने ये आइडिया उनके दिमाग में आया है पीएचडी करने का, वो जरूर इसे एग्जीक्यूट करें. तो मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आइए अपने दिमाग का और विकास कीजिए और आप जरूर पीएचडी में अपने आगे स्टेप उठाइए और पीएचडी की जो भी आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप जरूर एप्लीकेशन फॉर्म लोकेट करें, उसे भरें, जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो भी भरें और आगे बढ़ें. और मैं आगे बताऊंगी आपको आने वाली वीडियोस में भी रिसर्च पेपर कैसे तैयार किया जाता है, कैसे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे आप अपनी राइटिंग स्किल को जो बढ़ा सकते हैं. तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. हाँ, हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर जो है वो भी बढ़ रहे हैं. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल, दोज हु आर शेयरिंग माय वीडियो, दोज हु आर गेटिंग सब्सक्राइब्ड बाय. लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो.